नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ और इस रिपोर्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम फरीदाबाद के दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर हैं, जहां से लोग दिल्ली से आते जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 1 जून से अनलॉक 1 की घोषणा के बावजूद फरीदाबाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर अभी भी सील किया हुआ है। वहीं दिल्ली के CM ने आज प्रेस वार्ता के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के बॉर्डर अभी 1 हफ्ते के लिए सील रहेंगे। वहीं फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर को अभी तक कोई भी निर्देश नहीं आए हैं। हालांकि भारी संख्या में लोग दिल्ली जाने के लिए आज बॉर्डर पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। बॉर्डर पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभी तक सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आए हैं, इसलिए पहले की तरह बदरपुर बॉर्डर सील है और किसी को भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। पुलिस अधिकारी के अनुसार सिर्फ ई पास धारकों और ज़रूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। अभी बॉर्डर पे हमारा कंटिन्यू ऑर्डर वैसा ही चल रहा है, क्योंकि डीसी साहब ने अलग से कोई ऑर्डर नहीं किया है, तो हम पास वाला को ही अलाउड कर रहे हैं और मेडिकल फैसिलिटी हैं उनको जाने दे रहे हैं। कौन कौन लोग अब ऐसे हालात में जा सकते हैं या आ सकते हैं दिल्ली से? देखो, जिनके पास ई पास है और HMA का जिनके पास पास है और जो आवश्यक वस्तु गाड़ियाँ वगैरह हैं उनको हम जाने दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो लोग पहुँच रहे हैं वापस भेजा जा रहा है? नहीं, उनको वापस समझा रहे हैं, उनको वापस कर रहे हैं। कब तक रहेगा इस तरह का हालात? देखो, अभी फर्दर ऑर्डर स्टेट का अगर कोई अलग से आता है तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू ऑर्डर वैसा ही रहेगा हमारा।